बेस्ड एट सहारनपुर रेलवे स्टेशन। हम लोग इस टाइम सहारनपुर में 9:47 के मेरे बस की थी, उसने अच्छे से पहुँचाया, अच्छी रोड थी, अच्छी ट्रैफिक थी। 12:40 के बस है तो कोई इतना इशू नहीं है, क्योंकि टाइम बस बोल रहा हूँ सॉरी ट्रेन है, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हो चुका है। अब उस टाइम मैं सोच रहा था कि बीच में कुछ खा पी लेंगे, सारा वो वाला मैटर नहीं आ पाएगा, थोड़ा सा चेंज हो गया। भैया मुझसे बात कर रहे थे, ट्रैवलिंग में मिले भैया, इन्होंने पहले तो सबसे भाई नाम बता दो अपना। मेरा नाम अमोल गर्ग है। अमोल गर्ग? हाँ जी। ओ भाई बढ़िया बढ़िया। आपका नाम क्या है? शुभम गर्ग। कोइंसिडेंस? कोइंसिडेंस नहीं, मतलब भगवान सब कुछ बना। मैं बोलता हूँ ना आप लोगों की जो भी चीज़ें आप लोगों से होती है ना, वो प्लान करता है भाई। ट्रैवलिंग के टाइम में मुझसे मिले तो मैं शूट कर रहा था, तो भाई ने समझ चुके थे कि ब्लॉगर है। इवन बात करते करते चैनल सब्सक्राइब किया, फिर दूसरा ये हुआ इनको पहले उतरना था, ये मेरे साथ यहाँ पे आ गए। चंडीगढ़ में भाई जॉब करते हैं तो अच्छा लगा मिलके। आप लोग देखो, आप लोगों को भी कोई ऐसे कोइंसिडेंटली मिलता है ना बंदा, और ध्यान रखना कि अब ये बंदा है ना, मैंने इस व्लॉग में डाल दिया, आप मेरी आगे के व्लॉग में भी पक्का आएंगे, क्योंकि मैं नंबर वंबर सब लेने वाला हूँ भाई का। बेस्ट एट सहारनपुर रेलवे स्टेशन, और फाइनली मतलब टाइम से कवर हो जाएगा, जितना भी कवर होगा टाइम से कवर हो जाएगा। मैं पहले सोच रहा था कि टिकट उधर साइड मिलता है, लेकिन सहारनपुर रेलवे स्टेशन पे आप आओगे। वैसे मैंने बैग उधर रख दिया। मैं स्टेशन पे आ गया हूँ, और मतलब यार दो बैग है इतने भारी भारी। स्टेशन पे आया था तो मेरे को पता चला कि मैंने पूछा कि टिकट कहाँ पे मिलता है, तो बोलते हैं कि सहारनपुर स्टेशन के बाहर था। मैं स्टेशन पे गया टिकट लेने के लिए, उधर बहुत लंबी लाइन थी, और लाइन लंबी होने की वजह से आप 12:42 हो रहे हैं, सॉरी 12:22 हो रहे हैं, तेरी वो आ जाएगी, अपनी ट्रेन आ जाएगी। मेरे को जो कोच लेना है वो जनरल लेना है, तो जनरल में एक अलग भीड़ हो जाती है, और इसका बिल इवन अनाउंसमेंट भी अभी हो रहा था। मैं आप लोगों को बताऊं, ट्रेन नंबर ये है, आपको आ रहा होगा GS। ओके, यहाँ पे जनरल आएगा 15:01। तो मैं प्लान नहीं कर पाया एकदम से कि हाँ, मैं एकदम से सोच नहीं सकता था, अपना दिमाग में आ रहा था कि क्या करूँ, मैंने टिकट नहीं लिया है, और अब मुझे नहीं पता कि किस तरीके से जर्नी होगी। ट्रेन का टिकट नहीं लेना और चंडीगढ़ जैसे मेन प्लेटफॉर्म पे जाना, मैंने आप लोगों को बोला था स्टार्टिंग में कि भगवान साथ होते हैं मेरे, कि सब चीज़ें इजली हो जाती है। लेकिन अब सबसे बड़ी बात यह है कि ईजली ये भी सब चीज़ हो जाए, और अगर नहीं होती है तो शायद पता नहीं कि क्या हो, मुझे कुछ नहीं पता है। ट्रेन आने वाली है, और अब इसका अनाउंसमेंट भी हो चुका था, और ये भी हो चुका था कि वो आने भी वाली है, सब कुछ हो चुका था। अब मैं कोशिश करता हूँ कि एक बार देखता हूँ कि अगर अंदर एक बार डब्बे के अंदर पहुँच जाऊँ, और वहाँ पे अपनी सीट रिजर्व करके बैग रख के, क्योंकि अकेला हूँ ना यार मैं, जनरल डिब्बे में बहुत बुरी हालत होती है, बहुत भीड़ भी होती है, और ये जो है ट्रैक ये मेन है, मैं कुछ नहीं बताऊँ। आप लोगों को बताऊँ कि 12:30 पे ये ट्रेन आ चुकी है, और अब कंफ्यूजन ये है कि मैं इसको ट्रेन में वो लेके आऊं या ना आऊं, टिकट का सीन हो सकता है, बट ये है कि जैसे भी होगा जो भी होगा फिंगर क्रॉस्ड कि अच्छा ही हो जाए यार। मैं वैसे एक बार कोशिश करता हूं कि डब्बे में जाऊं अंदर, और बैग वगैरह रख के सीट रख के, वैसे ऐसा कुछ होता नहीं है जनरल डब्बे में, जब तुम चले जाते हो तो और भी लोग होते हैं जो आपके साथ आते हैं, या फिर और भी लोग होते हैं जिनको सीट की ज़रूरत होती है, ऐसा नहीं होता है, लेकिन देखते हैं फिर कैसे होता है। ट्रेन इज अराइविंग। आई एम जस्ट इनसाइड द ट्रेन, और फिंगर क्रॉस्ड के नीचे ही चली जाए। अब ड्यूरिंग द ट्रैवलिंग
ये हो सकता है कि शायद व्लॉग ना बने हैं, क्योंकि आप लोग समझ सकते हो कि टेंशन 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 व्हेन आई वाज इनसाइड दिस बोगी, सो आई वाज प्लान टू बाय अ टिकट बाय, बट वन पैसेंजर टोल्ड मी दैट दिस ट्रेन इज गोइंग टू अराइव फ्रॉम सहारनपुर जंक्शन, सो अगर मैं बाहर जाता कवर अप करके आता तो मे बी कि ये जा चुकी थी, और इस टाइम सहारनपुर में होना एक बिग इशू है, क्योंकि अगर मैं चूज़ करता हूँ बसेस को और रोड साइड ट्रेवल, सो दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी राइट नाउ, क्योंकि बहुत टाइम निकल जाना है, फिर उसके बाद में चंडीगढ़ से नालागढ़ लेना इज़ क्वाइट इम्पॉसिबल। बस अब जो भी प्लान करना है, सच में कंफ्यूजन, और आई वॉज चेकिंग थ्रू IRCTC ऐप ऑल्सो, बट देर इज़ ए वेटिंग 100 सीट ऑफ इन वेटिंग लिस्ट, सो आई वॉज नॉट एबल टू बाय सीट फ्रॉम देयर ऑल्सो। अब देखते हैं, जैसे भी रहता है कि जाए या ना जाए, लेकिन कोशिश करूँगा। आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रेवल हैप्पी, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रेवल सेफ, आई एम जस्ट ट्राइंग टू ट्रेवल कॉन्फिडेंटली, और होप सो कि चीज़ें सही चली जाए। ये कितना बड़ा पेड़ होगा, इसको पास बोर्ड का बैग मिला हुआ है। सही है। और एक चीज़ और दिखाऊं भाई, हाल के मतलब ना अपने देश की विभिन्नता को, जिम्मी चू हाँ दिख रहा है ना आपको, जिम्मी चू बैग के ओनर भी जनरल में ट्रैवल कर रहे हैं, और ये देखो हल्के पे कहाँ लोग है, जनरल है ये भाई, बिल्कुल स्लीपर AC बनाया हुआ है भाई। बच्चे से मैंने सीट मांगी, कहता है नहीं मैं बैठूँगा, मैं क्या भाई एक दो वीडियो बना लूँगा मैं, नहीं मैं बैठूँगा, वो इस पर नाक नहीं संभल रही अपने। ये सीट संभाल रहा है भाई, और ये भी वही देखो, और मेरे को ये होटल समझ के रहने का साथ वाले बंदे को होता, क्योंकि टिकट नहीं है मेरे पास, आप मेरा मन बिल्कुल भी नहीं है बाहर से, मैं मीटिंग शो के घंटा ने लोग अंदर से टिकट लगी पड़ी है, आप सहारनपुर से ट्रेन मिल चुकी है, मैं सोच रहा कि अगले वाले स्टेशन पे जहाँ पे चलती है, मैं सोच रहा कि वहाँ पे क्या करूँ, मैं एक बार कोशिश करके देखता हूँ कि किसी से बात करूँ। ये व्लॉग काफ़ी लंबे होने की वजह से इसको हम यहाँ पे एंड करते हैं, आप लोग आगे की जर्नी देखना अगले वाले व्लॉग में कि मैं सही से पहुंच पाया या नहीं पहुंच पाया। अभी जो रेलवे स्टेशन आ गया है वो आ गया है यमुना नगर, और अभी अम्बाला आना बाकी है, फिर उसके बाद में एक घंटे की अम्बाला से चंडीगढ़ की डेस्टिनेशन है, वो अगले व्लॉग में हम लोग कवर करेंगे। टिल देन अगर यहाँ तक व्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और भाई मैं सही से पहुँच जाऊँ यार सही में। थैंक यू।